हेलो फ्रेंड्स, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस वीडियो में बताऊंगा आपको TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो को रीसेट करने से पहले कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि आपका कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम से इरेज ना हो। यहाँ पर मेरे पास इस स्टीरियो में 22 एप्लीकेशन है। यदि आप डायरेक्टली इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हो तो इसमें जो 22 एप्लीकेशन है ये इरेज होकर 15 एप्लीकेशन सिर्फ रिमेनिंग रह जाती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यदि डायरेक्टली आप रीसेट करते हो तो यहाँ पर मैं ऐप्स को चेक करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली रीसेट करने पर कितनी एप्लीकेशन रिमेनिंग रहती है। 15 एप्लीकेशन आपकी रिमेनिंग रह जाएगी और एक भी एप्लीकेशन आपका फिर रीइंस्टॉल नहीं होगा आप यदि डायरेक्टली रीसेट कर देते हो। इसमें से बहुत सारा एप्लीकेशन फ़ोन लिंक, यूट्यूब मैप, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसमें से हट चुकी है, आपको दोबारा इंस्टॉल करना होगा। तो सारे एप्लीकेशन की बैकअप कैसे बनाएं तो मैं अब इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम की सेटिंग में जाना है, सेटिंग, देन लेफ्ट हैंड साइड में आपको लास्ट सेकेंड ऑप्शन फैक्ट्री का है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन फैक्ट्री के अंदर में पासवर्ड आपको टाइप करना है 1 2 3 4 5 6, देन कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी ऑप्शन की लिस्ट में आपको APK अपडेट का ऑप्शन आया होगा, यहाँ पर बैकअप इंस्टॉल्ड APK पर क्लिक कर देना है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है इसको प्रोसेस होने में। ये प्रोसेसिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देन आपको बैक कर लेना है, इस इंटरफेस से एक बार बैक चले जाना है। देन मोर पर क्लिक करना है, फैक्ट्री के नीचे मोर। देन यहाँ पर कार सेटिंग पर क्लिक करना है। देन लास्ट सेकेंड ऑप्शन रीसेट फैक्ट्री का, और यहाँ पर रीसेट फैक्ट्री के लिए पासवर्ड टाइप करना है 7 7 8 9 0, देन ओके। ओके करने के बाद आपका प्लेयर फैक्ट्री डेटा रीसेट होने लगेगी और इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। मैं इस प्रोसेस को स्किप कर दे रहा हूँ और स्पीड कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट हो चुकी है और फैक्ट्री डेटा रीसेट होने के बाद सबसे पहले मैं एप्लीकेशन चेक करके दिखा दे रहा हूँ इसमें कितना रिमेनिंग एप्लीकेशन है अभी। और इसमें टोटल 15 एप्लीकेशन है, बट आप जब कुछ टाइम इसमें वेट करोगे सिस्टम में जो भी और एप्लीकेशन था, टोटल 22 एप्लीकेशन था, वो धीरे धीरे इसमें रीइंस्टॉल हो जाएगा। मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ और इस प्रोसेस में लगभग 10 मिनट्स लग सकता है, तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर दे रहा हूँ। और आप स्क्रीन पर देखते जाना, धीरे धीरे एक एक एप्लीकेशन ऐड होते जाएगी। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ चुकी है मैप्स की और एक और एप्लीकेशन आ गई, टोटल 17 एप्लीकेशन हो चुकी है। एक और एप्लीकेशन आ गई 18, टोटल 18 एप्लीकेशन हो चुकी है। एक और ऐड हो चुकी है 19 एप्लीकेशन, और लास्ट 3 एप्लीकेशन है 20 एप्लीकेशन, टोटल 20 एप्लीकेशन हो चुकी है। लास्ट 2 एप्लीकेशन रिमेनिंग रह गई है। इस प्रोसेस में आपके केस में टाइम लगेगी, यहाँ पर मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ। एक और एप्लीकेशन इसमें ऐड हो चुकी है, ये 21 एप्लीकेशन, और लास्ट एप्लीकेशन यूट्यूब की बची हुई है, ये भी आ गई, और टोटल 22 एप्लीकेशन हो चुकी है। तो आप इस टाइप से TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में एप्लीकेशन की बैकअप बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।
यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।